हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन ऑन द सुपर कूल चैनल ऑफ लेट्स क्रैक नीट यूजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी, आपकी एमबी मैम, जो रोज आपसे मिल रही हूं। वन शॉट वन वीडियो मैराथन हम लोग लेके ही आ रहे हैं। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूं। अब अन अकेडमी पर हूं, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। अब आप मेरे साथ जुड़ेंगे कैसे, अन अकेडमी के साथ कैसे जुड़ेंगे? आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में अन अकेडमी लर्निंग ऐप को क्या करना है स्टूडेंट्स, इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, आप कोर्सेज देख सकते हैं, ले सकते हैं। यहां पर जैसे आपने नीट यूजी का कोर्स सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले तो क्या है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। अगेन कह रही हूं, 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट स्टूडेंट्स। उससे आपको मैं डेली इंटरेक्ट करूंगी, प्रॉपर जो कोर्सेज दे रही हूँ, टेस्ट में बहुत जल्दी लेने वाली हूँ। एक सब्सक्रिप्शन से आप सारे एसेस कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है 1 ईयर एंड 2 ईयर का, सबसे बेस्ट है 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। अगेन कह रही हूँ स्टूडेंट्स, 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आर बेस्ट। आपको मेरा कोड यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगेन कह रही हूं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि आप नीट यूजी एस्पिरेंट है। 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स। MB10 प्रोमो कोड यूज करने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आज जो चैप्टर हम लोग वन शॉट वन वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी वेटेज कवर करता है। इस अकेले में से आप मान लो 6 से 7 क्वेश्चन पक्के हैं। तो हम लोग इसमें आज वन शॉट वन वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाय। एक्स्ट्रा चीजों में हम लोग देखेंगे जैसे माइकोराइजा हो गया, लाइकन हो गया और वायरसेस हो गए। देखो, अभी मैं वन शॉट वन वीडियो पढ़ा रही हूं, तो ऑब्वियसली मैं मेन मेन चीजें आपको बता देती हूं। कोई भी सिस्टम होता है, हमें क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत होती है? फॉर इजीनेस। आप ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हो, क्लासिफाई करते हो और उनका नॉमिनक्लेचर देते हो। तो जब आप ये सब चीजें करते हो, देखो, आपने किसी को आइडेंटिफाई किया, आपको क्लासिफिकेशन करना है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर। तो आपको ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन क्यों करना जरूरी है? जिससे कि उनके असेंशियल फीचर्स के बारे में पता चल जाए, ठीक है, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए। दूसरी बात, हम लोग उन्हें क्लासिफाई कर पाए। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है कि आप उन्हें क्लासिफाई करो, आइडेंटिफाई करो और उनको नॉमिनक्लेचर कर दो। यहां पर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज कोरिलेटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज कोरिलेटेड फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके के स्टूडेंट्स फैक्टर्स हैं, हम क्या क्या सिमिलैरिटीज और कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं। रिलेशनशिप एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जानने में मदद करती है, मतलब डाइवर्सिटी। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? अब दूसरी बात क्या है, क्लासिफिकेशन इज टू identify, arranging the species, evolve a natural and easy identification. अब कोई भी अगर सिस्टम होता है, चाहे वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या वो किसी भी तरीके का हो, हमें उस सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिस्टम सबसे पहले हुआ आर्टिफिशियल, देन नेचुरल, फिर तीसरा हुआ फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या है, देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम बहुत ही इनिशियली और प्राइमरी वाला सिस्टम था। उसमें जो प्रीवियस साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्लासिफाई किया था, उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ उनके मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। जैसे एरिस्टोटल आए, उन्होंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर। हम एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो धरती पे रहते हैं, पानी में रहते हैं कि हवा में रहते हैं। हम एनिमल्स को उनके ब्लड के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं कि उनके पास ब्लड है तो एनेमा, नहीं है तो एनेमा। पर ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम नहीं रहा। फिर साइंटिस्ट आए, प्लिनी द एल्डर, ठीक है,
तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसमें सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है एरिस्टोटल का, जो कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहलाते हैं. गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स. उसके बाद प्लिनी द एल्डर डिवाइडेड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू कैटेगरीज, जो उड़ सकते हैं कुछ नहीं उड़ सकते हैं. उसके बाद लिनियस सर आए. लिनियस सर ने कहा कि आप सेक्स ऑर्गन्स को काउंट करो और प्लांट्स को क्लासिफाई कर दो. अगर एक होंगे तो मोनैंड्रिया, दो हैं तो डायंड्रिया, तीन है तो पॉलीएंड्रिया. फिर आती है कि देखो इनके ड्रॉबैक्स खूब सारे थे. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को क्यों लिया, इंटरनल फीचर्स क्यों क्यों नहीं लिया. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चेंज हो जाते हैं, वो हमें नेचुरल रिलेशनशिप का कोई भी आइडिया नहीं देते हैं. जैसे कोई एंसेस्ट्रल रिलेशन नहीं कर सकते हैं हम, ये नहीं समझ सकते हैं कि एब्स रेप्टिलिया से आए हैं या रेप्टिलिया एम्फीबिया से आए हैं. ठीक है, कोई भी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप आपको नहीं दिख रहा है. नो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप. फिर नेचुरल सिस्टम आया. नेचुरल सिस्टम में कहा कि ओके यूज एक्सटर्नल फीचर्स जो बाहर से दिख रहे हैं, जैसे नाक है, कान है, हेयर है, ये बाहर से दिख रहे हैं. इंटरनल में यू वांट टू स्टडी एनाटॉमी, दैट इज कंप्लीटली टिश्यू स्टडी, हिस्टोलॉजी, देन साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल हो रहा है, ए सेक्सुअल हो रहा है, टू प्रोजेनी, एक्सपेरिमेंटल साइटोटेक्सोनॉमी. हम लोग इसमें एम्ब्रियोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, वी इंक्लूड द बायोकेमिस्ट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, वी इंक्लूड दी बायोकेमिस्ट्री. तो ये सारे फीचर्स थे. जो साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया वो है बेंथम एंड हुकर. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है आर्टिफिशियल में. एरिस्टोटल, प्लिनी द एल्डर और लीनियस. नेचुरल में बेंथम एंड हुकर. ठीक है, उसके बाद नेचुरल सिस्टम क्यों बेटर है आर्टिफिशियल से. स्ट्रेस ऑन एक्चुअल स्टडी, कंपैरिजन किया, काफी हद तक एंसेस्टर रिलेशनशिप को लिया. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर, नेचुरल रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनेटिक. अब अगर हम लोग फाइलोजेनेटिक की बात करें तो फाइलोजेनेटिक मोस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसमें आप एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप निकाल रहे हो. मेरे पूर्वज हैं, या आपने कहा कि अगर एम्फीबिया है तो वो पाइसिस से आ रहे हैं, रेप्टीलिया है तो वो एम्फीबिया से आ रहे हैं, तो आपने उनके रिलेशनशिप को, इवोल्यूशन को समझा. मेनली वी आर फोकसिंग ऑन इवोल्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. आप इवोल्यूशन से मॉर्फोलॉजी का, दुनिया का कोई भी कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हो. कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, इंगलर एंड प्रेंटल एंड हचिनसन एंड तख्ताजान. ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट. यस, इंगलर एंड प्रेंटल, हचिनसन एंड तख्ताजान. तो आपको क्या है, साइंटिस्ट का नेम याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. जैसे इंगलर एंड प्रेंटल ने क्या कहा कि डाइकॉट मोनोकॉट से ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि हम लोगों ने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकाली. हचिनसन एंड तख्ताजान ने कहा कि ओवरऑल जो भी सिस्टम होता है, या स्पीशीज की बात करें तो वो स्टेटिक नहीं है, वो क्या है, डायनामिक है. उसके बाद अगर हम फेनेटिक्स के बारे में बात करें, फेनेटिक्स ये कहता है कि आप इजी क्लासिफिकेशन करो. आप क्लासिफिकेशन की तरफ इतना जाओ ही मत. अगर आपको नहीं पता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो आप इन कोरिलेटेड फैक्टर्स से रिलेटेड भी कर सकते हो. कोरिलेटेड फैक्टर्स. गेटिंग माय पॉइंट, कोरिलेटेड फैक्टर्स. एक मिनट फाइन. तो किस तरीके से कर सकते हो आप लोग, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड क्लेडिस्टिक्स टेक्सोनॉमी. नाउ अब देखो, बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल, ये हम लोगों ने देख लिया. ठीक है, बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, कि आप आर्टिफिशियल जा सकते हो, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक. ठीक है, ये आईसीएम, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन. ठीक है, और एक तरीके से नॉमिनक्लेचर. गेटिंग माय पॉइंट, आर्टिफिशियल मॉर्फोलॉजिकल, नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, बायोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी.
phylogeny to previous one. Scientist Aristotle, Pliny the Elder, Linnaeus, Bentham and Hooker, John Hutchinson and Takhtajan. तो ये एक समरी हो गई. साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ क्रोमोजोम पर डिवाइड करो. नंबर ऑफ क्रोमोजोम पे क्या करो, क्लासिफाई करो. जैसे एक क्रोमोजोम है, ठीक है, हर स्पीशीज के क्रोमोजोम नंबर फिक्स होते हैं, तो उस हिसाब से करते हो. साइंटिस्ट लिवेनिटल. कीमोटेक्सोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, लिपिड्स. कैनियन. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, नंबर को गिन लो कि भाई इतने नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर हैं तो उन्हें प्लस साइन दे दिया, ठीक है, नॉट सिमिलर है तो नेगेटिव, कोई भी नहीं है तो जीरो साइन दे दिया. क्लैडिस्टिक का मतलब क्या है कि आप नीचे से लेके ऊपर, मतलब आपने एंसेस्टर से लेकर जो भी आगे की जनरेशन है उसका आपको रिलेशनशिप निकालना है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. वो एक ट्री और क्लेडोग्राम कहलाएगा जो कि विली और हेनिंग ने दिया था, ठीक है. अब अगर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनिशियली टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड देन सिक्स किंगडम आया. टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस सर ने दिया, थ्री किंगडम हैकल ने, फोर कोपलेन ने, फिफ्थ आर एच विटेकर सर ने एंड देन कार्ल वूज ने. एक्चुअली जब दो किंगडम क्लासिफिकेशन है तो इन्होंने कहा कि सिर्फ प्लांट और एनिमल दिखे. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट की कैटेगरी में भी नहीं, एनिमल की कैटेगरी में आए तो प्रोटिस्ट को डाल दिया. फिर बैक्टीरियास को देखा गया कि इनका तो सब पूरी बॉडी का मशीनरी अलग है. देन फाइव किंगडम में कहा कि फंजाई का तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है. सिक्स किंगडम कार्ल वूज ने क्या कहा कि आप जो बैक्टीरिया है ना उसको, या जो किंगडम मोनेरा है ना, आप उसको दो में क्लासिफाई कर दो, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. फिर प्लांटे, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और फंजा एज इट इज रहेंगे. तो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन. अब जो फाइव किंगडम के लिए जो फाइव कैरेक्टर्स चुने वो हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूं, ठीक है. सेल्यूलर स्ट्रक्चर, गेटिंग माई पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मोनेरा, किंगडम ऑफ प्रोकैरियोट्स, किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर डीकंपोजर्स, मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स, मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स. नाउ किंगडम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर हम किसी किंगडम को पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसका इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, हिस्ट्री, कहां रहता है, स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, यूजफुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज, ठीक है. अब देखो मैंने क्या किया, तीनों को कंपैरेटिव फैशन में ले आई हूं. अब देखो किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, किंगडम ऑफ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स एंड किंगडम ऑफ मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है देखो, जब हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस इज नॉट डिफाइंड, न्यूक्लियस इज नॉट डिफाइंड, नॉट मेम्ब्रेनस बाउंडेड, नॉट मेम्ब्रेनस बाउंडेड, ठीक है. सेल ऑर्गेनिल्स आर ऑल्सो नॉट मेम्ब्रेनस बाउंडेड, ठीक है. सर एक मिनट स्टूडेंट्स रुकना, इसमें कुछ या तो प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइन ऐसी क्यों दिख रही है, ठीक है. मेम्ब्रेनस बाउंडेड, अब ये थोड़े से और डेवलप हुए, यूकैरियोट्स में आ गए. यूकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड,
ठीक है, न्यूक्लियस क्या है आपका, वेल डिफाइंड है. देन सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंडेड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्क हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? तो टर्म बैक्टीरिया कॉइंड बाय, अब देखो अगर हिस्ट्री की बात करूं तो क्रिश्चियन गॉटफ्रीड है. टर्म गिवन बाय आर्नेस्ट हैकल है. बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय ल्यूविन हॉइक है. स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है. तो यहां पर यूनिसेल्यूलर, एक सेल का बना हुआ प्रोकैरियोट है. प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब सेल क्या है, दो तरीके से है, यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक. यहां पर फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट है कि यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक, मतलब सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है. टर्म प्रोटिस्टा बाय आर्नेस्ट हैकल, प्रोटिस्टोलॉजी. टर्म फंजाई बाय लीनियस, डिस्कवर्ड बाय लीनियस. स्टडी ऑफ फंजाई इज माइकोलॉजी, क्योंकि इनकी बॉडी माइसीलियम जैसी होती है. अब अगर हम इनके हैबिटेट के बारे में बात करें तो देखो ये हैबिटेट में एक तरीके से कॉस्मोपॉलिटिशन कह सकते हो कि टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, एरियल, और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं जहां पर कोई भी नहीं रह सकता. प्रोटिस्टा मेनली मोस्टली एक्वेटिक है. मोस्टली क्या है, एक्वेटिक है. और अगर ये टेरेस्ट्रियल रहेगा तो इसको मॉइस्टनेस चाहिए, जो आपके ये जो यूनिसेल्यूलर एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वॉटर सरफेस के ऊपर, दे आर एक्चुअली प्रोटिस्ट, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बॉडी एज पैरासाइट, ये बॉडी के अंदर रह सकते हैं, उन्हें हार्म पहुंचा सकते हैं पैरासाइट. देन टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल एंड पैरासाइटिक बॉडी. ये इनका साइज है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो वो इस रेंज में लंबा होगा और इस रेंज में वाइड होगा. इसकी एवरेज साइज ये वाली है. ये फंगस का ये डाइवर्सिफाइड है, इसका जो साइज है वो काफी डाइवर्सिफाइड है. अब अगर हम ओवोइड की बात करें तो ये कोकस फॉर्म में भी हो सकते हैं, रॉड शेप फॉर्म में भी हो सकते हैं. ये ट्राइंगुलर, सिलेंड्रिकल, इरेगुलर, इनका जो शेप है ये ऐसे हाइफे के फॉर्म में होता है. ठीक है, ये ऐसा हाइफे के फॉर्म में फंगस का शेप, ऐसे ये हाइफे के फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास आउटर है ग्लाइकोकैलिक्स. आउटर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब अगर बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो ये उसका बाहर का ग्लाइकोकैलिक्स. ये अंदर की सेल वॉल, एंड देन सेल मेम्ब्रेन. तो ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. गेटिंग माय पॉइंट? तो बैक्टीरिया के पास, देखो बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. प्रोटिस्ट के पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल. ठीक है, उसके बाद इनके पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके पास ही एक एडिशनल है. अगर कोई चीज एडिशनल होती है तो ज्यादा प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव होती है. ठीक है, तो इसकी आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर सेल वॉल, इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन. इसकी आउटर लेयर सेल वॉल, देन इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन. इसकी आउटर लेयर सेल वॉल, इनर वॉल सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया के पास तीन लेयर्स हैं, प्रोटिस्ट के पास दो लेयर है, फंजाई के पास दो लेयर है. ठीक है, तीन, दो एंड दो. तीनों में सेल वॉल डिफेंसिव है, लेकिन अगर हम सेल वॉल के ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स दे दें जो कि नॉन सेल्यूलर, देखो पॉलीसेक्राइड की है, पर पॉलीसेक्राइड में मैं सेल्यूलोज कंटेंट नहीं डालूंगी. ठीक है, उसके बाद सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की है, सेल मेम्ब्रेन वही बाई लेयर ऑफ लिपिड्स. ठीक है,
गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर जो सेल वॉल है, देखो जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर वो लूज है, बहुत ही लब्दी लब्दी लुब्रिकेंट है, तो वो स्लाइमी लेयर टफ है। जहां पर भी टफनेस आती है वहां मैं कोलेजन डालती हूं, ठीक है। यहां पर ये जो आउटर वॉल है ये पेलिकल और क्यूटिकल भी कहलाती है, ये सेल्यूलोजिक नॉन सेल्यूलोजिक होती है। यहां पर जो सेल वॉल है वो पर्टिकुलरली एक काइटिन मटेरियल की बनी है, जिसपे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अंदर आए, न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड है, यहां पर वेल डिफाइन है, यहां पर वेल डिफाइन है। आपको यहां पर बहुत तरीके के सेल ऑर्गेनिल्स दिखेंगे, इसमें मोस्टली जो सेल ऑर्गेनिल है वो है राइबोसोम, मीजोसोम जो कि एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, हायर ऑर्गेनिज्म से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन किसके जैसा है, मीजोसोम के जैसा, ठीक है। तो मीजोसोम क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन में मदद करवा रहा है, काफी हद तक ये क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी जनरेशन, ठीक है। यहां पर अगर हम फूड रिजर्व की बात करें तो फूड रिजर्व तीनों में क्या रहेगा, स्टार्च एंड लिपिड, ठीक है। अब अगर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक मींस क्लोरोफिल नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। हिटरोट्रॉफिक, देखो हिटरोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, प्रोटिस्टा में भी ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ले देखे जो मोनेरा है, जो बैक्टीरिया है, वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हिटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटरोट्रॉफिक, बिकॉज दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। लेकिन फंजाई किसी भी एंगल से फोटोसिंथेटिक नहीं होता, नो क्लोरोफिल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ये एरोबिक है, अगर रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, ये किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, ये आपने बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड किसके लिए, ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। अब देखो ब्रेकडाउन ऑफ फूड में क्या है कि एरोबिक भी होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी एनएरोबिक भी होता है, ठीक है। अगर हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे भी है, पैरासाइटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है, सेम ये चीज, ठीक है। वन गो में ले रहे हैं, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में एक्सीलेंट में ले चुकी हूं, इसलिए मैं फटाफट आपको बता रही हूं, एरोबिक एनएरोबिक। एरोबिक मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा खासा एटीपी जनरेट होगा। एनएरोबिक इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन ऑक्सीजन, एटीपी उस अमाउंट में जनरेट नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए कहती हूं कि रेगुलर लाओ, और वन ईयर टू ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है स्टूडेंट्स, उसको ले लो, मेरे साथ रेगुलर जुड़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगर लोकोमोशन की बात करें तो जैसे ये हुक की तरह एक ऐसे फ्लैजिला है, फ्लैजिला का मूवमेंट क्या है, ऐसे विप्लैश, ठीक है, वाइपर घूमता है ना, ऐसे ऐसे मूवमेंट है। उससे क्या है, जैसे अगर ये मोस्टली एक्वेटिक है तो वॉटर करंट्स को काट कर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनके और फैक्टर्स की बात करूं तो प्रोटिस्टा में क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक तरीके से प्रोटिस्टा एक डस्टबिन किंगडम है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म समझ में नहीं आ रहा, ना मोनेरा में फिट हो रहा है, ना फंजाई में फिट हो रहा है, ना एनिमल प्लांट है, वो आप इसमें डाल दो, ठीक है। तो अगर फ्लैजिला से होगा तो फ्लैजिलरी मूवमेंट, सीलिया से होगा तो सीलियरी मूवमेंट, सुडोपोडिया क्रीपिंग मूवमेंट, ठीक है। वर्म लाइक मतलब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फंजाई में ऐसे नो मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन। अब देखो मोनेरा में अगर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो बाय बाइनरी फिजन, मतलब यू हैव टू कट इट, ठीक है, ये कट करेंगे। तो बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ, एक तरीके से सेल डिविजन से होगा, तो सेल डिविजन का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, स्पोरुलेशन स्पोर फॉर्मेशन से होगा, ठीक है। सेक्सुअल की बात करें तो एज सच देखो मोनेरा में क्या होता है,
कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे ये जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका ठीक है, ये पाइलस है, ठीक है, मैंने कहा ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल इस पाइलस के थ्रू इसमें डाल देंगे। गैमीट नहीं बना है, गैमीट का फ्यूजन नहीं हुआ है, ओनली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय द एक्सटेंशन, बाय द प्रोजेक्शन कॉल्ड एज पाइलस। इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन के अलावा ट्रांसडक्शन से भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया, इस मेथड से। प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल बाइनरी फिजन से होगा, और सिनगेनी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। एसेक्सुअल की बात करूं तो यहां पर बडिंग से होगा, ठीक है, जैसे ईस्ट है उसकी ऐसे बड आ गई है, ठीक है, बड। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोरेंजिया, ठीक है। सेक्सुअल में अगेन देखो, सेक्सुअल में क्या है, कैरियोगेमी और प्लाज्मोगेमी। यहां पर सेक्सुअल में क्या है कि पहले न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मोनेरा में तीन तरीके के एग्जाम्पल होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हम इसका अगर ट्रिक बनाए तो क्या बनेगा, एएम। हम एएम बोलते हैं तो एएम बोल दो, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। देन इफ वी कंसिडर द प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में हमारे पास तीन तरीके की कैटेगरी है। एक प्रोटिस्टा जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक। एक क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स, मतलब डेड एंड डिगिंग ऑर्गेनिजम्स पे बैठते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर। एक है प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स मतलब ये मूवमेंट करते हैं, ये एनिमल की तरह हैं, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका हिटरोट्रॉफिक है, ऑब्वियसली फेगोसाइटिक वाला। तो यहां पर हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, ग्लिनोडीनियम, पेरिडीनियम, जिम्नोडीनियम, गोनियोलेक्स एंड सिरेशियम, ठीक है, ट्राई सिरेशियम, एम्फीफ्लोरा, स्पायरोगाइरा, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम इसमें जैसे इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं, हम लोग जी 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 पी सी, गेटिंग माय पॉइंट, ये ए टी, दिस इज ओनली एस, दिस इज यूग्लिनॉइड यूग्लिना। इसमें पी एफ, हम लोग पीडीएफ बोलते हैं, पीएफ, फाइसेरम फ्यूलिगो। प्रोटोजोअन्स में लिशमानिया, गियार्डिया, दे आर डिजीज कॉजिंग, दे आर डिजीज कॉजिंग। अब अगर फंजाई की बात करूं, तो अगर फंजाई आपका एक, आप मान लीजिए किंगडम है, तो उसके अंदर ये सब क्लासिफिकेशन है, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये आपका बनेगा राम, गेटिंग माय पॉइंट। अभी मैं एक सेशन देने वाली हूं बहुत जल्दी, उसमें पूरी बायोलॉजी की जितनी भी ट्रिक्स है वो सब बता दूंगी, राम, ठीक है। देन एस्कोमाइसिटीज, पी वाई, बेजीडियोमाइसिटीज, ओके, एम ए यू पी, एम ए यू पी, ठीक है, और यहां पर टी सी, गेटिंग माय पॉइंट। तो म्यूकर, R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूकस, राम बना सकते हो, पी वाई, ठीक है। बेजीडियोमाइसिटीज की मशरूम, एगारिकस, उस्टिलागो एंड पशीनिया, एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ट्राइकोडर्मा कॉलिट्राइजियम, जो कि टी सी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है लाइकन्स की। देखो, अगर हम लोग लाइकन्स के बारे में बात करें, तो लाइकन्स एक तरीके का सिम्बायोसिस है। लाइकन क्या है, एक तरीके का सिम्बायोसिस है, जिसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो आपस में मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ना कि नुकसान पहुंचाते हैं। तो ड्यूअल ऑर्गेनिज्म, परमानेंट एसोसिएशन ऑफ अ फंगस, फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट कहेंगे,
एल्गी पार्टनर को फाइकोबायोन। आप खुद बताओ, एल्गी अपना खाना खुद बना सकती है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स दे रहा है, ठीक है, और ये इसको फूड दे रही है। अब फंगस की कौन सी वाली, एस्कोमाइसिटीज, बेजिडियोमाइसिटीज, ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये देखो दिस इज लाइकन। लाइकन एक्चुअली पॉल्यूशन है। देखो लाइकन क्या होता है, लाइकन एक तरीके से अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो इकोसिस्टम में ये पायोनियर कम्युनिटी है, ठीक है। पायोनियर सीरल और क्लाइमेक्स बताया था ना मैंने, पायोनियर कम्युनिटी है ये। देखो टर्म किसने दिया था, थियोफ्रेस्टस, 15,000, मतलब ये इनिशियली से अगर हम लोग काउंट करें तो 15,000। ये रॉक्स पे है, कूल्ड कोई एरिया है, ट्री बार्क्स, वॉल्केनिक लावा, कलर में ग्रीनिश, डार्क ब्राउनिश और ब्लैकिश होती हैं, ठीक है। शेप में क्रस्टोस मतलब ऐसे क्रस्ट लाइक, फोलियोस मतलब लीफ लाइक, इरेग्युलर। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, क्या होगा, इरेग्युलर। देन फिजियोलॉजी, काम क्या कर रहे हैं भाई, अगर एल्गी का पार्टनर है तो फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन। गेटिंग माय पॉइंट, एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और अगर ब्लू ग्रीन एल्गी है तो वो फोटोसिंथेसिस प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा, ठीक है। फंगस है वो हिटरोट्रॉफिक है, सिम्बायोसिस रिलेशन है। देखो फंगस एल्गा पे कंट्रोल्ड वे में बैठा हुआ है। फंगस देखो अगर चाहे तो फंगस एल्गी को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो फंगस एक तरीके से मोस्टली एल्गी से ही चीजें ले रहा है, इतनी कोई बहुत ज्यादा एल्गी को चीजें नहीं दे रहा है, तो एक तरीके से वो पैरासाइट है बट नॉट हार्मफुल, ठीक है। हेलोटिज्म, फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोडक्शन होगा, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, डाई बनाने में, मेडिसिन बनाने में, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। जहां पर लाइकन ग्रो बहुत ज्यादा हो रहा है दैट मींस वहां पर एयर पॉल्यूशन नहीं है। अगर लाइकन ग्रो नहीं हो पा रहा है मतलब एयर पॉल्यूशन है, अनवांटेड गैसेस ज्यादा है, ठीक है। देन माइकोराइजे, माइकोराइजे क्या है, देखो सिम्बायोटिक, अगेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स, वी कंसिडर मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स हेयर, एंड समवेयर वी कैन कंसिडर एंजियोस्पर्म्स ऑल्सो, ठीक है। दिस वुली कवरिंग फंगल हाइफे, रूट का शेप क्या है, देखो यहां पर जो रूट का शेप है वो नॉर्मल नहीं होता है, इट इज नोड्यूलेटेड। भाई जैसे ये रूट है, रूट का शेप क्या है, ऐसे नोड्यूल की तरह है। यहां पर हम लोग मान सकते हैं कि माइकोराइजा है। बर्च ट्री रूट्स, बर्च ट्री रूट्स एक ऐसा प्लांट की रूट है जहां पर फंगस की 13 स्पीशीज रहती है, ठीक है। रेजिडेंस ऑफ फंगस, अगर रूट के बाहर है तो एक्टो, अगर रूट के अंदर है तो एंडो। बोलिटिस स्पीशीज फंगस की एक्टोमाइकोराइजा, ग्लोमा स्पीशीज ऑफ फंगस की एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। फंगस अगर रूट पर है तो क्या कर रहा है, उसको फूड एंड शेल्टर मिल रहा है, असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्यों, क्योंकि फंगस क्या है, फंगस एक तरीके से डीकंपोजर्स हैं, ठीक है, डीकंपोजर्स हैं, तो वो चीजों को डिग्रेड करके सॉइल को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। तो अगर सॉइल में अच्छी फर्टिलिटी होगी तो रूट अच्छे से ग्रो करेगी। तो एक तरीके से फंगस रूट के साथ बैठ के फूड एंड शेल्टर ले रहे हैं पर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल करके उनको दे भी रहे हैं। फंगस सिक्रीट कुछ एंटी माइक्रोबियल पैथोजेंस करते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस करते हैं कि अगर कोई माइक्रोब्स रूट पर आ जाए तो वो उनसे किल हो सकते हैं, एक तरीके से प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी, डिफेंस, ठीक है। अब देखो हम लोग इसके बाद अगर वायरसेस की बात करें,
हम लोग अगर वायरसेस की बात करें तो वायरसेस कम्स ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो वायरसेस, अगर वायरसेस की हिस्ट्री की बात करूं तो ये लैटिन वर्ड वीनम से आया है, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, नॉट गुड, टॉक्सिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाश्चर। उसके बाद वायरसेस को इवेनोस्काई, ये साइंटिस्ट के नेम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इवेनोस्की सेपरेटेड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सैप ऑफ इंफेक्टेड प्लांट, ठीक है, जैसे ये सैप है, ठीक है, सैप मतलब फ्लूइड, उसके अंदर कोई इंफेक्शन है, तो उससे क्या किया इन लोगों ने, उसको डिराइव किया, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिराइव किया उसका नाम क्या था, टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, जो बाद में पता चला। ही रिपोर्टेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वेरी वेरी माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है। बिजर्निक कॉल्ड एंड कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइड दैट इज लिविंग इंफेक्शियस फ्लूइड। देखो वैसे तो क्या है, अगर वायरसेस बॉडी से बाहर रहेंगे तो वो नॉन लिविंग, अभी कोरोना वायरस है, उसका सबसे ज्यादा फैल रहा है भाई, अभी क्या है, कोरोना वायरस है, वो सबसे ज्यादा फैल रहा है, अभी कुछ पता नहीं है, उस पर वैक्सीन नहीं बन रही है, पूरा रिसर्च है, इंफेक्शियस है, उसकी क्या है, विरुलेंस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो उसकी इंफेक्शन करने वाली प्रॉपर्टी है ना, वो काफी ज्यादा है स्टूडेंट्स, इसलिए तो वो इंफेक्शियस हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। देन वायरसेस स्टेनली क्रिस्टलाइज टीएमवी फर्स्ट टाइम, टोबैको मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, गेटिंग माई पॉइंट। और इन्हें नोबल प्राइज मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। वायरसेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दे आर सब माइक्रोस्कोपिक, दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इससे भी छोटे हैं, नॉन सेल्यूलर मतलब नो प्रोटोप्लाज्म, नो प्रोटोप्लाज्म मीन्स नो लिविंग मैटर, एज सच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रही है, ये बॉडी से बाहर रहेंगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो बहुत कुछ है। दे आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स, ठीक है, आइदर आरएनए और डीएनए, वायरस में या तो आरएनए जेनेटिक मटीरियल हो सकता है, देखो आरएनए क्या है, आरएनए अनस्टेबल होता है डीएनए के कंपैरिजन, तो वायरस का क्या है भाई, एड्स के वायरस का क्या प्रॉब्लम होता है कि वो बार बार चेंज होता रहता है, इसलिए वैक्सीन नहीं बन रही है, सेम कोरोना वायरस के साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो जहां पर भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा वो भले कम होगा लेकिन वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। सो नो वायरस, देखो या तो वायरस डीएनए करेगा या वायरस आरएनए या दोनों ही है, तो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है, मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए होता है, वायरसेस में आप आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल फिर भी काफी हद तक देखते हैं, दे आर इनर्ट आउटसाइड बट दे आर स्पेसिफिक होस्ट सेल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम ऑफ होस्ट सेल, खुद की बॉडी में न्यूक्लिक एसिड है, होस्ट की बॉडी में गया, राइबोसोम को अटैक किया और उसमें से क्या बन रहा है, आपका क्या बन रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनेगा हमेशा, उसका कंपोजिशन अलग होगा, वायरसेस का विरुलेंस ज्यादा होगा, ठीक है। वायरसेस मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, साइज ऑफ वायरस क्या होगा, टीएमवी का क्या होगा, 300 माइक्रोमीटर 220 नैनोमीटर, मतलब ये लेंथ ब्रेथ और हाइट बताई है, ठीक है। शेप में क्या होगा, इंफ्लुएंजा वायरस है, एचआईवी वायरस है, ये ऐसा रॉड शेप्ड होगा, ये टेडपोल की तरह है, गेटिंग माई पॉइंट। केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन मेनली
न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन्स का होगा। न्यूक्लिक एसिड में आइदर आरएनए और डीएनए, जनरली इन प्लांट वायरसेस। गेटिंग माय पॉइंट? सिंगल, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड मतलब दिस वन। गेटिंग माय पॉइंट? वायरसेस में आरएनए है या फिर डीएनए है। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, आई मीन टू से आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है। और अगर डीएनए है तो वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड भी। तो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जनरली एनिमल वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, और हम लोग आरएनए को भी कंसिडर कर सकते हैं जो कि सिंगल और डबल होगा। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड। प्रोटीन कोड क्या होगा? प्रोटीन कोड मतलब ये मान लो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रोटीन कोड है, ठीक है, प्रोटीन कोड। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो इट इज नोन एज कैप्सिड एंड मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कैप्सोमियर, मींस दिस वन। Getting my point? Central core and capsid are collectively called as nucleocapsid. इसको ये capsid और इसके जो central core को, जैसे ये आपका, इसको आप पूरे को nucleocapsid कहोगे, ठीक है? An additional covering is also present in some viruses around the capsid called as envelope. Increases virulence. Increases virulence of virus, ठीक है, क्योंकि envelope virus को protect कर रहा है, तो अगर वो body में enter कर गया तो वो मेरी जो WBCs हैं, जो phagocytes हैं, उनको क्या करेगा, बच जाएगा और मुझे harm पहुंचाएगा। Now symmetry of viruses, देखो ये थोड़ा सा मैं आपको extra बता रही हूं, आपके एनसीईआरटी में वायरसेस से रिलेटेड इतना नहीं है, ठीक है। तो हेलिकल सिमेट्री, कैप्सोमियर आर अरेंज्ड इन एन हेलिकल फॉर्म, ये देखो। इक्सोहेड्रल, इट इज अ ऐसा पॉलीहेड्रल टाइप का होगा, ठीक है। टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, मम्स वायरस, ठीक है। हर्पीज वायरस, एडीनो वायरस, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर जाकर रह सकता है। टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस, इट इज द, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आया है। इट इज द मोस्ट थरली स्टडीड वायरस डिस्कवर्ड बाय वर्कर एवनोस का क्वेश्चन। हेलिकल सिमेट्री होती है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। ये एम्स में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 5% आरएनए है, 95% प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब है कहीं ना कहीं अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड चेंज हुआ, प्रोटीन कंटेंट चेंज हुआ, वायरस चेंज हो गया। ये देखो, ये इसका जो कैप्सोमेर है, ये क्या है, मोर है। दिस इज सेंट्रल ह्यूमन एंड दिस इज आरएनए जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है। बैक्टीरियोफेज वायरस, द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। सपोज करो ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है, वायरस बैक्टीरिया। गेटिंग माय पॉइंट? वायरस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज वर डिस्कवर्ड बाय एफ डब्ल्यू टॉट एंड फेलिक्स डी हरली। बैक्टीरियोफेज आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, मतलब बैक्टीरियोफेज के अंदर जो वायरस होगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। वायरसेस, देखो इन, ये बहुत ही एक्स्ट्रा है, ये एम्स में पूछा जाता है। अब एम्स क्या है,
थोड़ा सा मर्ज हो गया ना अपने नीट के साथ, तो पूछ सकते हैं। क्यूबी बैक्टीरियोफेज सिंगल स्ट्रैंडेड, ये वाला बैक्टीरियोफेज सिंगल स्ट्रैंडेड, यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, देन वायरसेस, दिस इज बैक्टीरियोफेज। देखो ये पूरा इस वायरस का हेड है, ये इसका कॉलर है या फिर नेक कह सकते हैं। दीज आर टेल पिन्स, दीज आर टेल फाइबर्स एंड दिस इज शीट प्रोटेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस दो तरीके के होते हैं, नॉन विरुलेंट, नहीं डिजीज करेंगे, विरुलेंट डिजीज करेंगे। सो नॉन विरुलेंट विरुलेंट, इसको नॉन इन्फेक्टिव फेज भी कहेंगे, इसको इन्फेक्टिव फेज भी कहेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज मतलब ऑब्वियसली वो किसी की बॉडी के अंदर जा रहा है, उसको इन्फेक्शन कर रहा है, तो इन्फेक्शन साइकिल या फिर रेप्लिकेशन साइकिल, लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, अब देखो वायरसेस में अगर हम एक तरीके का अगर रिप्रोडक्शन कंसिडर करें तो अगेन ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड ही रहेगा। तो एक वायरस से दूसरे वायरस में हमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल भेजना है। ठीक है, पर या तो बैक्टीरियोफेज है कि बैक्टीरिया के अंदर वायरस बैठा हुआ है। सो व्हेन अ बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट, इट इज सिंपली अ ट्रांसडक्शन। जिंडर एंड लिडरबर्ग ने खोजा था किसमें, कौन से बैक्टीरिया में, साल्मोनेला टाइफमीरियम। ठीक है, वायरसेस देखो दे आर विरुलेंट, दे आर डेफिनेटली द डिजीज कॉजिंग वायरसेस। सो प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, टोबैको मोजाइक डिजीज, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, येलो वेन मोजाइक ऑफ लेडी फिंगर, पोटैटो लीफ रोल, बंची टॉप ऑफ बनानो, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस एंड टोमेटो लीफ कर्ल। ठीक है, ये भी मेनली एम्स में पूछे गए हैं नाउ इन नीट। ठीक है, साइनोफेज क्या होता है, अगर वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर चला जाए और उसको इन्फेक्ट कर दे, डबल स्ट्रैंडेड। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं इस चैप्टर में, जुड़े तो हो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। माइकोफेजिस, माइकोफेज मतलब, माइको मतलब फंजाई, फेज मतलब एंट्री, वायरस की फंजाई में एंट्री, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। वायरसेस देखो जो वायरोइड्स पार्ट होते हैं वायरसेस के, जो वायरसेस के वायरोइड्स पार्ट होते हैं, देखो फ्री इंफेक्शन आरएनए, वी कैन से दे आर द पार्ट्स ऑफ वायरस। गेटिंग माय पॉइंट, टीओ डिनर डिस्कवर्ड सम न्यू इंफेक्शियस एजेंट विच आर स्मॉलर देन वायरसेस कॉल्ड आर वायरोइड्स। ठीक है, वायरोइड्स कंटेनिंग बहुत ही छोटे होते हैं और उनमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और नॉट अ प्रोटीन कोट नहीं होगा। तो प्रोटीन कोट नहीं है मतलब आउटर कोई कवच नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल साइज है। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। ठीक है, प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या होते हैं, स्लो वायरसेस, स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इंफेक्शियस एजेंट, मतलब वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है, ये क्या है, कुरु द लाफिंग डेथ, हंसते हंसते डेथ हो जाती है, डिजीज ऑफ ह्यूमन, कुरुजिट जैकॉब डिजीज ऑफ ह्यूमन, स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप एंड मेडकाउ डिजीज। ठीक है, ये भी जो वायरस का डिजीज है ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है। वायरसेस माइकोप्लाज्मा में, देखो मैंने माइकोप्लाज्मा में बैक्टीरिया में बताया था कि भाई जैसे
आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है या फिर स्पाइरोचेट से माइकोप्लाज्मा है, तो हम ये कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा। 1998 में टू फ्रेंच साइंटिस्ट ई नोकॉर्ड एंड रॉक्स ने कैटल का प्लूरल फ्लूइड, कैटल के अंदर जो लंग्स होते हैं उनके फ्लूइड को डिस्कवर किया और उसमें देखा कि एक इंफेक्शन है पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। मतलब काउ क्या है, कैटल बहुत टाइम से बीमार पड़ रही थी तो उसके लंग्स में से फ्लूइड को निकाला, फ्लूइड को निकाला तो उसके अंदर ये पाया। नोवाक पुट दीज ऑर्गेनिजम्स अंडर द जीनस माइकोप्लाज्मा। वायरसेस, द जैपनीज डॉइटल फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट एस्टर येलो डिजीजेस ऑफ प्लांट आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। मतलब ये भी डिजीज कॉजिंग है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया है तो हर बैक्टीरिया पे जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, ठीक है। मेन पॉइंट्स, माइकोप्लाज्मा क्या है, यूनिसेल्यूलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक, और इनका साइज क्या है, ये 0.01 से 0.33। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ट्राई लेयर्ड है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ट्राई लेयर्ड है, ठीक है, मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, मतलब अगेन लिपिड, ये लिपिड 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 और प्रोटीन, बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखो डीएनए क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही रहता है अधिकतर टाइम, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी रह सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी रह सकता है। माइकोप्लाज्मा मे बी द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, लाइफ कैपेबल, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ होगा। दे आर सेल वॉल लेस एंड दे एग्जिबिट प्लियोमॉर्फिज्म कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। सेल वॉल नहीं है, मैंने कहा ना कि देखो बैक्टीरिया में यहां पर नो ग्लाइकोकैलिक्स, नो ग्लाइकोकैलिक्स, नो सेल वॉल, गेटिंग माई पॉइंट, ना ग्लाइकोकैलिक्स है ना सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन तो थोड़ी बहुत क्वासी फ्लूइड होती है, फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये अपना फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म चेंजिंग, जोकर कहते हैं इनको, जोकर्स ऑफ प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, By osmosis, ठीक है, movement of water from high to lower concentration, getting my point, resistant to bacteria as penicillin act on cell wall, penicillin organism की cell wall पे act करके उनकी machinery को बर्बाद कर देती है, यहां cell wall है ही नहीं, so they are more virulent, so more virulent, they are sensitive to tetracycline, chloramphenicol, ये दोनों एंटीबायोटिक्स इसको किल कर सकती है। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ऑफ आर फैकल्टेटिव एनरोब्स, फैकल्टेटिव एनरोब्स का एक तो होता है ऑब्लिगेट, अगर हमेशा ऑक्सीजन नहीं है तभी काम करेंगे, फैकल्टेटिव मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी काम कर सकते हैं, ऑक्सीजन है तो भी काम कर सकते हैं, मींस दे आर डिपेंड ऑन द फैसिलिटी, जो जैसा होगा उस हिसाब से वो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। सेप्रोफाइट है एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट है, अगर कोई होस्ट बॉडी मिल गई तो ठीक है, वरना सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कर लेंगे। रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा, बाइनरी फिजन, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, एलिमेंटरी बॉडीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में है, ठीक है। वायरसेस, कौन सी प्लांट डिजीजेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है, लीफ लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, विचेस ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट एंड एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। वायरसेस एनिमल डिजीज कर रहे हैं भाई, कोरोना वायरस है, मुझे तो लगता है कुछ टाइम बाद वो भी ऐड होने वाला है अपने सिलेबस में, ठीक है। एम होमिनिस, ये जेनिटेलिया पे इंफ्लेमेशन करते हैं और स्टेरिलिटी भी कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स कॉजेज बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, बोवाइन मतलब मेनली आपके कैटल्स में ये लंग्स पे अफेक्ट करेंगे, माइकोप्लाज्मा निम्यूनी, ठीक है, ये निम्यूनी काफी हद तक लंग्स पे अफेक्ट करेंगे, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका, ये स्लाइड्स थोड़ी सी क्या हो गई है, रिपीट हो गई है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मूवमेंट।
एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं वापस से ऑन करती हूँ। जस्ट अ मिनट, वो स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिया है चैप्टर। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, यस, हाँ, तो आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा सा स्लाइड्स रिपीट हो गई हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि एनिमल डिजीज, देखो एनिमल डिजीज में दो तरीके की हो सकती है, या तो वो मेल्स में स्टेरिलिटी कर रहे हैं, एम होमिनिस कॉज स्टेरिलिटी, या माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स प्लूरोनिमोनिया मतलब लंग्स पे कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डिजीजेस क्या हैं? लंग्स की डिजीज है, दोनों डिजीज आपकी लंग्स पे इफेक्ट करती है। ना अब ये चैप्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, फाइनली हमारा कवर अप हो जाता है। हम लोगों ने इसको देखो कितना फास्ट वन शॉट में लिया है, गेटिंग माय पॉइंट, हमने काफी फास्ट लिया था क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की वन शॉट वन वीडियो के बाद जब मैं मैराथन लूंगी तो मैं चैप्टर को दोबारा रिपीट करूंगी, और उस टाइम पर अगर आपको, जैसे मुझे ऐसा लगा कि ट्रिक्स बहुत छोटे नाम थे इससे मैंने नहीं दी थी, लेकिन जब मैं मैराथन रिपीट करूंगी तो उस मैराथन में मैं आपको ये जो पर्टिकुलर ट्रिक्स है वो भी बता दूंगी। एक सेशन बहुत जल्दी लेने वाली हूं, उसमें मैं ट्रिक्स ही ट्रिक्स को डिस्कस करूंगी, डायग्राम कोर्स और ट्रिक कोर्स। ठीक है ना, डायग्राम कोर्स एंड ट्रिक कोर्स। ठीक है, सो फाइनली हमारा ये सेशन खत्म होता है। मैं अगेन कहूंगी, अगर आपको मैं अच्छी लगती हूं, आप उसे पढ़ना पसंद करते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। कोड यूज करिए MB10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अगली बार मिलेंगे सुपर कूल सुपर डुपर सेशन के साथ, अगेन मैराथन और वन शॉट वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।